जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, बीएचई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मौसमी बारिशें होती थी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमें पानी हो जाता था। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि हमारी एक लिफ्ट स्कीम लगी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बीच में 2006 में जो सलानी के लिए ही स्पेशल थी, वो मगयात क्या नहीं, तो सलानी के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि मुझे भी पिछले 3.5 साल से मैंने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर हो या हमारे डीसी साहब हों, इससे पहले डीसी साहब हों, सब के पास हम के बारी बारी अपने जल शक्ति का जो एजेंट साहब हैं, एई साहब हैं या अदर्स कोई भी ऑफिसर हो, हम सब के पास अपनी जो पकार है, अपना जो हक है, उसके लिए वहाँ पे पहुँचे। लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। और आज से पिछले अगर हम 2-3 महीने की पहली बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो मौजूदा डीसी साहब हैं पूंछ के, वो यहाँ पे विजिट भी उन्होंने की, लेकिन उनकी विजिट के बाद भी आज दिन तक हमारी जो है वो लिफ्ट स्कीम जो है वो यहाँ पे कामयाब जो है नहीं हो पाई। तो मैं मुख्तसर ये चीज़ कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको हमें बार बार ये चीज़ कहनी पड़ती है। आज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि जल या नहीं, हर घर में नल लगाना है। हम ये उनसे आज सवाल पूछते हैं। मैं खासकर जो हमारी एलजी गवर्नमेंट इंतजामिया है, उनसे मैं आज ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पिछले 3.5 साल से, बल्कि उससे पहले भी, हम इस पानी के लिए हर जगह पुकार लगाई, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने जो हमारे ये मीडिया के हजरात हैं कि हमारे पानी के ये हालात, ये एक चश्मा है हमारा, जो आज किसी मरीज़ को अगर हम ग्लूकोज लगा दें, तो वो एक या नहीं थोड़ा थोड़ा सा करके उसको वो जो ग्लूकोज लगता है, ऐसे ये हमारा पानी है की हालात है। बल्कि ये पूरा गांव, लगभग इस गांव के अंदर 300 घर हैं, उस घर को ये पूरे पानी, जहाँ से माल मवेशी पीते हैं, जहाँ पे यानी हम घरों के लिए भी लेकर जाते हैं, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, बुजुर्ग सब इस पानी पे दिन रात रहते हैं। आज जुम्मा का मकाम था, हमें जुम्मा में इतनी बड़ी परेशानी हुई, बल्कि वुजू करने के लिए भी हमें पानी नहीं मिला। मेरी आज खुले लफ्जों में आज इस आवाम की तरफ से और हमारी पंचायत की तरफ से, गवर्नमेंट इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस पानी के बारे में मसले को हल निकालें। अगर आप हल नहीं निकालोगे, तो मैं आपको एक वाजिया बात बताना चाहता हूं कि हम इसके लिए, अपने हक के लिए इंशाल्लाह सड़कों पर भी आएंगे, और उसकी अगर कोई भी अगर हमारे किसी भी माली या जानी नुकसान होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा पुंछ की जिम्मेदारी। उन्होंने आपको वाजिया तौर पानी की दिक्कत और किल्लत बताई है। सबसे बड़ी बात, इंतजामिया को भी तो इन्होंने एक नसीहत की है, और एक नसीहत ही मैं कहूँगा, हम हुक्म तो किसी को कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो नज़र ही नहीं आ रहा। इसलिए क्योंकि एक ऐसा वक्त था इस गांव के अंदर जब शहीद औरंगजेब इस इलाके के अंदर शहीद होकर आए थे, तो एक मुल्क का नाम उन्होंने बहुत बड़ा किया था, बड़े फख्र की बात थी। आज अफसोस इस बात का है कि औरंगजेब के गांव के बीच मकान के पीछे एक जहां मस्जिद है और एक पानी है, जिस पानी से आज वुजू करने के लिए पानी नहीं मिला। आखिर इन लोगों ने गलती क्या की है? इन लोगों ने कहां अपनी जाने पीछे बचा के रखी है? देश के लिए इन्होंने दिए, इलेक्शन में ये लोग तुम्हारे साथ रहे। मैं वाजिया तौर ये बताऊंगा, डीडीसी हो या एमएलए हो, आज दिन तक इन गांव को कम से कम इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा हुआ है। जात बरादरी का टीका लगाते हैं, अपना मतलब ले लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई बंदा नहीं आया। अफसोस इस बात का कि 40 कम से कम 80 और 90 साल के बुजुर्ग लोग जो है रात को आकर इस पानी पे ड्यूटी देते हैं और टर्न बाई टर्न पानी भरते हैं। जिस बंदे की रात 3 बजे ड्यूटी है, वो बंदा रात को सोएगा या क्या करेगा? मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी मेरे सुनने वाले कोई अगर अच्छा ऑफिसरान है, इस चीज़ पर गौर फिक्र करे। वाखरी दवानी अलहमदुलिल्लाह।